सो हे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माईट्यूब चैनल सो और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो कि पेपर फिफ्थ है बी एल एड सेकेंड सेमेस्टर का इससे पहले मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की सारी वीडियोज़ अपलोड की हैं आप चैनल पर विजिट कर कर वहाँ से वीडियोज़ को देख सकते हैं सेमेस्टर टू की भी मैं सारी वीडियोज़ को अपलोड करूंगी सो मेरे चैनल से जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा पेपर फोर्थ जो बी एल एड सेमेस्टर टू का पेपर फोर्थ है उसे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं और पेपर सिक्स को भी मैं अपलोड कर दूंगी सो लेट्स बिगिन विद द पेपर सो इसमें टोटल टेन क्वेश्चन होते हैं एटी मार्क्स का पेपर होता है आपको थ्री आर्स मिलते हैं सॉल्व करने के लिए टेन क्वेश्चन में सिर्फ आपको फाइव क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होते हैं हर एक क्वेश्चन सिक्सटीन मार्क्स का होता है सो so, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर हमारा कैसा आया था ये क्वेश्चन पेपर 2022 का है जो कि अक्टूबर मंथ में इसका पेपर हुआ था सो ये रिसेंट पेपर है और इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि लगभग हर क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते आ रहे हैं और रिपीट होंगे सो so, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन हमारा कैसा आया था क्वेश्चन नंबर वन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शैक्षिक तकनीकी से आप क्या समझते हैं शैक्षिक तकनीकी के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए इसमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आपको बताना है कि इस टर्म से आप क्या समझते हैं और इसके फॉर्म्स बतानी हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग एंड डिस्कस इन डिटेल द वेरियस मोड्स एंड स्टाइल्स ऑफ ई लर्निंग इसमें बताना है कि ई लर्निंग ई अधिगम की संकल्पना की व्याख्या कीजिए तथा इसके विभिन्न प्रारूपों एवं तरीकों का विस्तार से वर्णन कीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इस क्वेश्चन को देखिए सिक्सटीन मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है लेकिन जो शॉर्ट नोट्स दिए हैं उनको दो पार्ट्स में किया है ए और बी सो so ये हुए एड एट मार्क्स का एक एक पार्ट पहला पार्ट क्या है ब्लेंडेड लर्निंग ब्लेंडेड लर्निंग के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है लर्निंग यानी मिश्रित अधिगम और बी है कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है ई पुस्तकालय की अवधारणा क्वेश्चन नंबर फोर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लेवल्स ऑफ टीचिंग नेम दीज लेवल्स एंड डिस्कस देयर एसेंशियल फीचर्स शिक्षण के स्तरों से आप क्या समझते हैं इन स्तरों का उल्लेख कीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए ये क्वेश्चन नंबर फोर था लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर फाइव विच इज डिफाइन टीचिंग व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग शिक्षण को परिभाषित कीजिए शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की क्या भूमिका है क्वेश्चन नंबर सिक्स है वॉट डू यू अंडरस्टैंड माई कम्युनिकेशन डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन डिटेल संप्रेक्षण से आप क्या समझते हैं संप्रेक्षण की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए क्वेश्चन नंबर सेवन है हाईलाइट द मेजर फीचर ऑफ माइक्रो टीचिंग एंड डिस्कस एनी टू टीचिंग स्किल्स विद एग्जाम्पल्स की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए तथा किन्हीं दो शिक्षण कौशल की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए क्वेश्चन नंबर एट है डिफाइन द टर्म मॉडल ऑफ टीचिंग डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग मॉडल शिक्षण प्रतिमान पद को परिभाषित कीजिए शिक्षण प्रतिमान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए क्वेश्चन नंबर एट था अब देखते क्वेश्चन नंबर नाइन कैसा था अगेन जो शॉर्ट नोट्स में आया है सो so, इसका ए पार्ट है ब्रेन स्टॉमिंग जिसमें कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है ब्रेन स्टॉमिंग मतलब मस्तिष्क उद्धेलन और बी पार्ट है वर्चुअल क्लासरूम मतलब आभासी कक्षा कक्ष क्वेश्चन नंबर टेन विच इज द लास्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर टेन है वॉट इज मैंट बाई प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शन डिस्क्राइब इट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कंपेयर लीनियर एंड ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग अभिक्रमित अनुदेशन से का अभिप्राय है इसके आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए रेखीय तथा शाखीय अभिक्रमों की तुलना कीजिए ये टेन क्वेश्चन थे ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए मिलते हैं अगली वीडियो में टेल देन बाय बाय